गाइस अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल इस्माइल ब्लॉगर। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और इस चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद कीजिए। दोस्तों, मैंने डिसाइड किया है कि मैं आज के बाद जितने भी इवेंट करूंगा, जितने भी वेबिनार्स करूंगा और जितनी भी चीज़ें होगी जो लोग मुझसे क्वेश्चन करेंगे, उनको मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आंसर करूंगा। क्योंकि मैंने एक चीज़ नोट की है कि ये बहुत मुश्किल काम है हर एक बंदे को इनबॉक्स में रिप्लाई देना और हर एक बंदे के साथ फेसबुक पे लाइव आना। सो इट्स बेटर कि इन चीज़ों को एक प्रॉपर चैनल के थ्रू मैनेज किया जाए और इसके लिए मैं 2-3 प्लेटफॉर्म यूज़ करूँगा। ismailblogger.com, मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा फेसबुक ग्रुप पाकिस्तानी ब्लॉगर्स वर्ल्ड, जिन पे हम लोग ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करेंगे, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे और इस चैनल को ग्रो करने में उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर ऑनलाइन अर्नर्स जो है, पाकिस्तान के अंदर वो लोग जो कि अर्निंग करना चाहते हैं, उनकी तादाद को बढ़ाने में अपना किरदार अदा करेंगे। ये बहुत मुश्किल काम था ये डिसीजन लेना, लेकिन फाइनली मैंने स्टार्ट ले लिया है, अपना सेटअप कंप्लीट कर लिया है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने वेबसाइट की केस स्टडी के बारे में बताऊंगा कि 3rd month वेबसाइट का कैसा गया, रेवेन्यू की क्या पोजीशन है, स्टेट्स कैसे गए और उसके साथ साथ हमारी नेक्स्ट मंथ की क्या प्लानिंग है। उन तमाम चीज़ों को टेक्स्ट में कवर करना थोड़ा सा मुश्किल था और नॉर्मली मुझे क्वेश्चंस मिलते थे कि इस चीज़ का आंसर आपने नहीं दिया, हालांकि मैंने कोशिश की होती कि मैं उनको आंसर कर लूँ। एनी हाउ, हम लोग वेबसाइट की तरफ जाते हैं और वेबसाइट के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। कुछ अर्सा पहले मैंने डिसाइड किया कि मैं एक अमेज़ॉन एफिलिएट ब्लॉग ओपन करूंगा और उसकी जितनी भी हम लोग उस पर काम करेंगे उन तमाम स्टेटिस्टिक्स को मैं पब्लिक के साथ शेयर करूंगा अपने वेबसाइट ismailblogger.com पे। सो दिसंबर में मैंने इस वेबसाइट पे स्टार्ट लिया। December 2nd को मैंने डोमेन रजिस्टर कर लिया। 3rd को मैंने उस पर होस्टिंग वगैरह के साथ कनेक्ट करने के बाद मैंने उस पर वर्डप्रेस कर लिया और 6th को मैंने अपना फर्स्ट आर्टिकल जो है वो हैंड ओवर कर दिया राइटर्स को और 8th पे उस पर फर्स्ट आर्टिकल पब्लिश हो गया। टाइम गुजरता गया और फर्स्ट मंथ December 26th को हम लोगों ने फर्स्ट कमर्शियल आर्टिकल उस पर पब्लिश कर लिया। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि 6 दिसंबर से लेके या 8 दिसंबर से लेके 26 दिसंबर तक जो ड्यूरेशन है उसमें हम लोगों ने उस पर जस्ट एंड जस्ट इंफॉर्मेशनल कंटेंट अपलोड किया था और तरीक़ाकार किया था कि हम लोग ऐसे कीवर्ड्स को टारगेट करते थे जिसकी मंथली वॉल्यूम 20 से लेके 50 और मैक्सिमम 70 तक होती। नाउ यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि इतनी कम वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स क्यों? तो द रीज़न इज हाई कम्पिटिटिव मार्केट है और उसमें अपने वेबसाइट को रैंक करवाना बहुत मुश्किल काम है। सो बजाय उसके कि हम बड़े बड़े बीस्ट के साथ मुकाबला करें, इट वुड बी बेटर कि हम लोग छोटे वेबसाइट को टारगेट करें और हम लोगों ने छोटे वेबसाइट के लिए लॉन्ग टेल कीवर्ड पे काम किया। इसी हवाले से मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को तमाम तरह इन्फॉर्मेशन दूंगा, लेकिन थोड़ा सा एक और व्यू आपको देता चलूँ। सो जब फर्स्ट मंथ हमारा दिसंबर कम्प्लीट हुआ तो हमारी वेबसाइट ने $1 something जनरेट किया था, जो कि एक इंतहाई यू कैन से हैरानगी की बात थी, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट आर्टिकल अपलोड किया था 26 दिसंबर पे उस वेबसाइट पे। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि जिस निश पे मैं काम कर रहा हूँ वो इंतहाई कम्पिटिटिव मार्केट है और उसमें बड़े बड़े ब्लॉग्स के साथ मेरी कम्पिटिशन है, जिसमें टॉम्स गाइड, PC वर्ल्ड, गेमिंग स्कैन टाइप के वेबसाइट्स, राइट? सो फर्स्ट मंथ की केस स्टडी आप ismailblogger.com पे देख सकते हैं। नाउ सेकंड मंथ की तरफ हम मूव करते हैं। सेकंड मंथ जब हम लोगों ने स्टार्ट किया तो हम लोगों ने वेबसाइट की स्पीड के बारे में सोचना शुरू कर दिया और उसके साथ साथ हम लोगों ने वेबसाइट के कंटेंट क्वालिटी के बारे में सोचना शुरू कर दिया और हम लोगों ने डिफरेंट होस्टिंग को आजमाने के बाद फाइनली डिसाइड कर लिया कि हम लोग क्लाउड होस्टिंग की तरफ मूव कर लें, VPS की तरफ मूव कर लें। एंड सो आई शिफ्टेड माई वेबसाइट फ्रॉम A2 होस्टिंग टू WPXhosting.com। मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बात बताता चलूँ कि A2 होस्टिंग इज अ वेरी गुड होस्टिंग। मैं उसका एफिलिएट हूँ और मैं नॉर्मली लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप लोग बेस्ट सपोर्ट चाहते हैं और बेस्ट होस्टिंग चाहते हैं तो ये होस्टिंग सबसे बेहतरीन है। लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं तो आप लोग WPXhosting की तरफ जाए, कॉपन कोड में इस्माइल ब्लॉगर यूज़ कर ले और आप लोगों को 50% डिस्काउंट मिल जाएगा फॉर द फर्स्ट मंथ, राइट?
Now, after moving my website from A2 Hosting to WPX Hosting, स्पीड जो थी वो काफ़ी बेहतरीन हो गई और हम लोग 1.7 की बजाय 0.8 सेकंड की तरफ आ गए, मीन के सेकंड से भी कम वक्त के दौरान हमारी वेबसाइट ओपन हो जाती। दूसरा जो मसला आया वो ये था कि हम लोग यूज़ कर रहे थे माई थीम शॉप को। माई थीम शॉप में एक मसला था और वो मसला ये था कि वो इसका CTR रेट जो था वो इंतहाई लो था, क्लिक थ्रू रेट इंतहाई लो था, राइट। सो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हम थीम को चेंज कर ले और हम लोग वाइज थीम की तरफ शिफ्ट हो गए, थीम फॉरेस्ट की, राइट। एंड उस थीम की तरफ शिफ्ट होने के बाद हमारी वेबसाइट की न सिर्फ इम्प्रेशन इंक्रीज हो गए बल्कि उसका CTR भी थोड़ा बहुत बेहतर हो गया। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि मैं ऑनेस्टी के साथ तमाम चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सो सेकंड मंथ में हम लोगों ने तकरीबन 27-25 आर्टिकल लिख के हमारी वेबसाइट शिफ्टिंग के दौरान काफ़ी ख़राब हुई थी। और उसके अलावा कंटेंट क्वालिटी पे हम फोकस कर रहे थे और बैकलिंकिंग का हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस इतनी खास नहीं थी, लेकिन जब हम लोगों ने मंथली रेवेन्यू की तरफ गए तो मंथली रेवेन्यू जो थी वो तकरीबन $65 तक पहुंची थी। ना ये हमारे लिए और हैरानगी की बात थी, और मैं जितना समझता हूँ इसके पीछे जितनी भी मेहनत थी, वो मेहनत, वो टीम वर्क और वो डेडिकेशन और कमिटमेंट जो कि पूरा टीम शो कर रही थी, किसी को बताने की जरूरत नहीं थी कि हम लोग क्या कर रहे हैं। सो हम लोगों ने मैंने उसका जो केस स्टडी थी वो मैंने शेयर कर दी smileblogger.com पे। नाउ कमिंग टू द थर्ड मंथ जो कि ख़त्म हो गया है और उसकी केस स्टडी से रिलेटेड ये वीडियो बन रही है। थर्ड मंथ में हम लोगों ने फोकस किया बैक लिंकिंग पे, थर्ड मंथ में हम लोगों ने फोकस किया क्वालिटी कंटेंट पे, और थर्ड मंथ में हमने फोकस किया कि हम वेबसाइट के अंदर जो के बटन्स वगैरह है उनमें से थोड़े से चेंजेस कर ले, एबी टेस्टिंग कर ले, किसी के साथ साइड बार ऐड कर ले, किसी को साइड बार के बगैर कर ले, तो हम देखते हैं कि रिजल्ट कैसा आता है। और स्टेटिस्टिक्स आपके सामने है, हम स्टेटिस्टिक्स की तरफ जाते हैं और आप खुद देख ले के किस तरीके से रिजल्ट्स आए हैं। सो स्क्रीन पे आपके साथ शो हो रहा है कि हम लोगों ने दिसंबर में स्टार्ट किया था। 2 दिसंबर को हम लोगों ने वेबसाइट बाय की थी, जो दिसंबर का महीना था उसमें तकरीबन 1000 सेशन हमारी वेबसाइट्स के जनरेट हुए थे, राइट। एंड इन जनवरी जो के हमारे वेबसाइट के सेशंस थे वो तकरीबन थोड़े से इंक्रीज होके गए थे, राउंड अबाउट कुछ 1300-1400 तक, राइट, 1500 तक। और अगर आप थर्ड मंथ को देख ले जो कि राइट नाउ ख़त्म हो गया है, फ़रवरी का मंथ, तो हालांकि ये एक छोटा महीना था लेकिन उसमें बाकायदा इंप्रेशन ने बूस्ट मारा है और वो 3000 तक पहुंच गए हैं। इसी तरीके से अगर आप लोग गूगल वेब मास्टर की तरफ जाए तो टोटल क्लिक्स अभी तक हमें रिसीव हुए हैं इन 3 मंथ्स में 3.8 के, जो कि एक बेहतरीन अमाउंट है, बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स जा रहा है। टोटल इम्प्रेशन 73,000 और एवरेज CTR 4.2 रेशो के साथ, और हमारी जो एवरेज पोजीशन है कीवर्ड्स की वो थर्ड पेज तक पहुंच गई है। अब मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि वेबसाइट्स के बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जो कि फर्स्ट पेज पे रैंक हो गए हैं और तकरीबन मैक्सिमम आर्टिकल, क्योंकि हम लोग जो प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं वो हम लोग लो अथॉरिटी कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड, बजाय इसके कि हम लोग बेस्ट वी लॉगिंग कैमरा पे काम कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं बेस्ट वी लॉगिंग कैमरा अंडर 1000, बेस्ट बजट वी लॉगिंग कैमरा अंडर 500, राइट। तो हम इस किस्म के कीवर्ड टारगेट कर रहे हैं जिनमें 4 to 5 वर्ड्स होते हैं और उसकी नॉर्मल सर्च वॉल्यूम 20, 30, 50 होती है। तो इस तरह के कीवर्ड्स बाकी वेबसाइट टारगेट नहीं करते और इसी वजह से हमें स्पेस मिल जाती है और हम लोग उसमें अपने आप को रैंक कर लेते हैं। और दोस्तों ये है वेबसाइट की अर्निंग। आप देख सकते हैं फ़रवरी 1 से लेके फ़रवरी 28 तक वेबसाइट ने टोटल $255.48 जनरेट किए हैं। और अगर आप देखें तो कुछ दिन जो है ये तकरीबन हमारे पास आते हैं जिनमें ये सेल जनरेट हुई है और हम लोग इससे काफ़ी खुश है, काफ़ी मुतमइन है, और काफ़ी यू कैन से कि एक जज्बा है हमारे अंदर। हम चाहते हैं कि नेक्स्ट मंथ हमारा इससे बेहतर जाए और वो ऑलरेडी जा रहा है। इस वीडियो को बनाते हुए जब मैंने तमाम सर कैलकुलेशन की तो ये रेवेन्यू हम लोगों ने ऑलरेडी क्रॉस कर लिया है विद इन 14 डेज। दोस्तों जिस तरह के आप लोगों ने देखा कि वेबसाइट की परफॉर्मेंस दिन ब दिन बेहतर हो रही है, हमारे कीवर्ड फर्स्ट पेज की तरफ मूव कर रहे हैं और हम लोग अपने कंपटीटर को डी रैंक कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम लोग क्वालिटी बैकलिंक्स पे काम कर रहे हैं,
हमारा एक बंदा है टीम मेंबर जो कि बैकलिंक्स बनाने के लिए आउटरीचिंग कर रहा है और हम उसके लिए यूटिलाइज कर रहे हैं निंजा आउटरीच को, जो कि एक बेहतरीन टूल है फॉर ईमेल आउटरीचिंग। और उसके साथ साथ हम लोग मैनुअल आउटरीचिंग भी कर रहे हैं, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा इन नेक्स्ट वीडियो। सो ओवरऑल वेबसाइट की परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन है, वेबसाइट से मैं काफ़ी मुतमईन हूँ, रेवेन्यू में इजाफा हो रहा है, इंप्रेशन में इजाफा हो रहा है और उसके साथ साथ एनालिटिक्स जो है वो ऊपर जा रहा है, तो ये पॉजिटिव साइंस है। एंड अकॉर्डिंग टू नील पटेल कि अगर आपकी वेबसाइट के इम्प्रेशन में इजाफा हो रहा है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इट मीन कि आपकी वेबसाइट ग्रो कर रही है और दैट्स व्हाट एवरी ब्लॉगर वांट। उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, ये एक फर्स्ट कोशिश थी और इंशाल्लाह हम इसको बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश करेंगे। अपने सजेशन नीचे कमेंट बॉक्स में और या ismailblogger.com पे जाके कॉन्टेक्ट अस पेज के थ्रू आप हमें पहुंचा सकते हैं। आप लोगों को जिस चीज़ की वीडियो चाहिए आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन भेजिए और हम उस क्वेश्चन को रिस्पॉन्स देने की कोशिश करेंगे थ्रू वीडियो। आज के बाद हम लोग क्वेश्चन को वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। सो देखते रहे इस्माइल ब्लॉगर, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और मस्ट अपना फीडबैक रिकॉर्ड कीजिए इस चैनल को बेहतर बनाने के लिए। एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।